प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से पौने 200 वर्ष पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर के वहां गए थे, आज वे लोग राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं अलग अलग देशों में। उन्होंने समारोह किया था, भारत सरकार ने मुझे उस समय भेजा था। जब मैं गया तो उनके पास जाकर के मैंने वहां देखा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप के पास कुछ चीज है बची हुई जो आपके पूर्वज विरासत में लेके आए होंगे? उन्होंने कहा हां साहब, हमारे घर में है। मैंने कहा क्या है? और रामचरितमानस का गुटका था। रामचरितमानस था वहां पे। मैंने कहा आप पढ़ना जानते हैं? कहा नहीं, पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमने जो विरासत में सीखा है वही हम उसको याद रखते हैं। विशुद्ध भोजपुरी में, अवधी में लोग बोलते हैं, और वही मैं बोलना चाहता हूं महोदय। यहां पर हमारे मान्य सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के व्हिप हैं, या ये अवधी भाषी हैं, इनके आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में रची गई, और अवधी का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है? ताड़त का मतलब क्या है? इसमें क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो? अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है, क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कोई मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? बने वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए। ये बात एक जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी को ये अपनी बात नहीं चाहिए। महोदय दूसरा है, हमारे बुंदेलखंड से माननीय सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था, और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे, एक बुंदेलखंडी में बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं। देखिये शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो। देख यानी उसकी देखभाल करते रहो, इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह वो करने का प्रयास कर रहा है, और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं, और रास्ता नहीं मिला है। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति, और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं, और भगवान राम तीर का संधान करके फिर
समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर जादा पुनी तुम्हारे कीन ही, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है, तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है, कमार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है, उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे, घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्य काल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, किसी से छुपावा नहीं है, बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है, कैसे कोई स्वीकार कर सकता है। और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण दिखती ना ताके मति, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी, वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा।